पेश है जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। प्रदेश की न्यायिक राजधानी जोधपुर के ऐतिहासिक पुराने हाईकोर्ट भवन में शिफ्टिंग की कवायद आज पूरी हो गई। यहां राजस्थान हाईकोर्ट की पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग लोअर कोर्ट को हस्तांतरण की गई। इसे जिला एवं सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया है। इसका उद्घाटन राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश व प्रशासनिक जज संगीत राज लोढ़ा ने किया। बीकानेर जिले के देशनोक पुलिस ने फायरिंग कर 5 लाख रुपए मांगने व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है। कड़वासरा बास पलाना निवासी नवल किशोर पुत्र हेतराम जाट का आरोप है कि ओम प्रकाश गोदारा, रामा सहारण, मयूर खान व दो अन्य ने मिलकर उसे पलाना बस स्टैंड पर रुकवाया और छीना झपटी की। आरोपियों ने फायर कर 5 लाख रुपए की मांग की। जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने प्रतापनगर एवं मसूरिया जोन में मिशन जीवन रक्षक के तहत कोविड-19 को लेकर की गई चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को कोरोना संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर को नगण्य स्तर तक लाने व लगातार रिकवरी रेट बढ़ाने के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इस बार बीकानेर शहर प्रदेश में 7वें स्थान पर है। पिछले साल 18वीं रैंक थी। शहरी विकास एवं आवासन मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणाम जारी कर दिए हैं। यह सर्वे इस वर्ष जनवरी में हुआ था। 4 बिंदुओं पर कुल 6000 में से बीकानेर नगर निगम को 2332.27 अंक मिले हैं। इस बार कचरा कलेक्शन, रोड स्वीपिंग और सिटीजन फीडबैक पर जोर रहा। जोधपुर पुलिस ने एक और गैंग के 4 बदमाशों को हथियारों से के साथ पकड़ा है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल 004 गैंग के इन बदमाशों के पास ऑटोमेटिक कार्बाइन, 7 पिस्टल, 2 मैगजीन व 9 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि कमिश्नरेट की मंडोर, रातानाडा व करवड़ थाने की पुलिस और जिला पूर्व की स्पेशल टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए गैंग के 4 सदस्य राजेश गायरी, निम्बाराम जाट, भानु प्रताप और जयपाल जाट को गिरफ्तार किया है। जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार ने झालामंड क्षेत्र में सीवरेज लाइन बिछवाने से क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कार्य जोधपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से करवाने का उद्घाटन किया। झालामंड क्षेत्र स्थित बनावड़ियों की ढाणी, खेता नगर, आदर्श नगर प्रथम, नारायण नगर, माता रानी भटियाणी, खसरा नंबर 72, मीरा विहार इत्यादि में सीवरेज लाइन बिछवाने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। अब इनका निर्माण हो रहा है। बीकानेर में कोरोना मरीजों की बढ़ती रफ्तार से सारी व्यवस्थाएं धराशायी हो रही हैं। पीबीएम अस्पताल का सुपर स्पेशलिटी सेंटर मरीजों से भर गया है। यहां क्षमता से अधिक मरीज पहुंच गए हैं। हालात यह रही कि मरीजों को ग्राउंड फ्लोर पर बिस्तर लगाकर लेटना पड़ा। सुपर स्पेशलिटी सेंटर में 150 बेड की व्यवस्था है। यहां द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ फ्लोर पर एक भी बेड खाली नहीं है। आईसीयू में भी 20 बेड हैं, जो एक भी खाली नहीं है। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर गरिमा ने मानसून के मद्देनजर चलाए गए प्लांटेशन ड्राइव के तहत 4 चरणों में सैकड़ों पौधे लगाकर अपना संकल्प पूरा किया। क्लब की अध्यक्ष निमिषा भंडारी ने बताया कि 4थे चरण में सारथी फाउंडेशन के सहयोग से पॉट फ्लावरिंग प्लांट तथा चीकू व ऑरेंज के पौधे लगाए गए। बीकानेर में सुजान देसर ब्राह्मणों के मोहल्ले में गंदे पानी की समस्या अब नासूर बन चुकी है। 2 दिन पूर्व हुई बारिश के कारण गंदा पानी लोगों के घरों के अंदर तक जा पहुंचा है। गलियां पानी से लबालब हैं, आने जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा है, जिसके चलते वहां के निवासियों में भारी रोष व्याप्त है। बता दें कि यह समस्या आज की नहीं है, बल्कि 6 वर्षों से बरकरार है। गंदे पानी के कारण कई बीमारियां पनप रही हैं और कई घर सीलन के कारण गिरने की स्थिति में हैं। जोधपुर में आरटीओ ऑफिस के पीछे स्थित श्री रामनगर में श्रमदान किया गया। श्री रामनगर सोसाइटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह बिदावत ने बताया कि श्री रामनगर कॉलोनी की ए रोड पर नगर निगम कर्मियों के साथ कॉलोनी वासियों ने श्रमदान कर आवागमन योग्य बनाया। इस रोड पर बेतरतीब कंटीली झाड़ियां व कंकड़ पत्थर होने के कारण परेशानी के चलते आवागमन बंद था। इस रोड पर कंटीली झाड़ियां हटवाई गई तथा श्रमदान किया गया। संत महोपाध्याय चंद प्रभ सागर महाराज ने कहा कि भगवान महावीर के मूल 3 ही सिद्धांत हैं, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत, जिसे अपनाए बिना न तो कोरोना जैसी आपदाओं से और न ही विश्व शांति संभव है। संत चंद्रप्रभ जोधपुर में कायलाना रोड स्थित संबोधि धाम में आयोजित ऑनलाइन पर्युषण पर्व प्रवचन माला के 6ठे दिन महावीर का जीवन चरित्र आज के परिप्रेक्ष्य में विषय पर संबोधित कर रहे थे। जोधपुर शहर के शास्त्री नगर थाना इलाके की भगत की कोठी रहने वाली प्रेरणा नामक महिला अपने विवाह के 5 माह बाद ही ससुराल से गहने समेटकर चपत हो गई। अब उसके पति गौरव चौबे ने इस्तगासा से शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। उनका विवाह इसी साल 25 फरवरी को हुआ था।
जोधपुर रोडवेज में चालक परिचालक की ड्यूटी को लेकर नए सिरे से रोस्टर प्रणाली लागू की गई है। ऐसे में अब जोधपुर डिपो स्तर की बजाय रोडवेज मुख्यालय जयपुर से ड्यूटी चार्ट बनाने की व्यवस्था लागू की गई है। जोधपुर रोडवेज डिपो के महाप्रबंधक बीआर बेड़ा ने बताया कि अगार कार्यालय द्वारा चालक परिचालकों की ड्यूटी लगाकर अगारीय समिति द्वारा अनुशंसा कर निगम मुख्यालय भेजी जाएगी। मुख्यालय के अनुमोदन के बाद इनकी ड्यूटी तय की जाएगी। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।